डीके पुंज और मोहन मित्तल अपनी चालाकी से हरि प्रसाद को जमीन के कागजात पर साइन करने के लिए मना लेते हैं। आरोही को ऑफिस के लोगों से पता चलता है कि अर्जुन कितना नेक दिल इंसान है। अर्जुन वही इंसान है जिसने उस रात उस पपी की जान बचाकर उसके दिल में जगह बना ली थी। पूर्वी आरोही को सलाह देती है कि उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, वरना अगर वक्त हाथ से निकल गया तो वो कभी भी उस इंसान को अपने दिल की बात नहीं बता पाएगी। आरोही अर्जुन को क्लिफ पर उससे मिलने बुलाती है और इससे पहले कि वो अपने दिल की बात उसे कह सके, अर्जुन उसे रोक देता है ये कहकर, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कहूँ जिससे तुम्हें बुरा लगे, तुम यहीं रुक जाओ। अब आगे तुम जानना चाहती हो ना मेरा जवाब क्या है? माय आंसर इज नो। यहाँ आने से पहले मैं भी यही बेवकूफी करने वाला था। जो बातें तुमने मुझसे कही वो बातें मैं तुमसे कहने वाला था। अर्जुन डैड कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ डैड, आज मैं अपनी दिल की बात डैड से समथिंग डैड तेरी माँ मुझे कभी चैन से नहीं जीने थी, मुझसे बदला लेने के लिए उसने रूपाली सेन को भी माफी दिला दी। वहां तक तो मैं सहन करके But do you know what she did after that? She called me a cheat. DK? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मैं ये घर छोड़ के गई थी तो मैंने कसम खाई थी कि इस घर में कभी वापस कदम नहीं रखूंगी, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ आने पे मजबूर कर दिया है। Get to the point. क्यों सीधे साधे लोगों के विश्वास का फायदा उठा रहे हो डीके? इतना नाम, इतनी शोहरत, इतना पैसा काफी नहीं है जो धोखाधड़ी पे उतर आए हो? Mind your language, will you? क्यों? मैंने आईना दिखाया तो अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हरि प्रसाद जी ने? मुझे पता है तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनकी जमीन हथियाना चाहते हो। फायदा तो तुम उठा रही हो इस बात का, अपनी जाती फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। अगर मुझे नीचा दिखाने के बजाय अपने बारे में सोचा होता तो शायद अपनी जिंदगी में कुछ किया होता। देखिए, जिंदगी में रुपए पैसे के अलावा भी और बहुत कुछ होता है, विश्वास, इज्जत, आत्मसम्मान, लेकिन शायद उसका मतलब तुम भूल चुके हो। अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो क्यों आती हो यहाँ पे मेरा चेहरा देखने के लिए? मैं तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि बस करो डीके, इनफ, बस करो ये धोखाधड़ी, ये चालाकियां, बस करो। उसके लिए मैं सिर्फ एक धोखेबाज हूं। इतने सालों में उसके जाने के बाद मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वही थी और कोई नहीं। जो जगह मेरे दिल में उसके लिए थी वो जगह कोई नहीं ले सका। अर्जुन, आप मेरी बात सुनिए, मेरे डैड और उस औरत के बीच में कुछ भी हुआ हो, फॉर गॉड्स सेक, अगर वो औरत उनके साथ सोई भी हो, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड? आप होती कौन है उनकी जिंदगी में दखल देने वाली? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे डैड और रूपाली के बीच में कुछ, उन दोनों के बीच जो भी हुआ हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बैठ जाओ अर्जुन। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा आज। पूछो आज। फिर
आज फिर आपने मेरे डैड को दुख पहुंचाया। आखिर क्यों, क्या मिलता है आपको ये सब करके? मैं जानता हूं आप मेरे डैड को सालों पहले छोड़ के चली गई क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करती थी। खैर, चली गई तो चली गई। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बट यू नो व्हाट बॉदर्स मी, कि आज अगर आप वापस भी आई हैं तो उनकी जिंदगी में जहर घोल रही हैं। आखिर क्यों, आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं आप, क्या आपको कुछ भी महसूस नहीं होता? आज भी मैंने उन्हें खामोश दीवारों से वही सवाल पूछते हुए देखा, आखिर क्यों, क्यों छोड़ के गई आप उन्हें? आज मैं आपको वही सवाल पूछता हूं, व्हाई? मैं उन्हें छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके और मेरे रास्ते अलग थे, क्योंकि मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती थी और वो चाहते थे कि मैं बच्चा गोद में लेके बैठी रहूं। और भी कुछ पूछना चाहते हो तो? मैं वैसी नहीं हूं, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। अच्छा, जिसकी माँ ने उसको बचपन में एक अनाथ की तरह छोड़ दिया हो, जिसने अपने डैड को रोज जीते जी मरते हुए देखा हो, उसके लिए कैसी होंगी औरतें? अगर ये दुनिया औरतों को देवी मानती है तो रखे मंदिरों में, मेरे घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। 16 साल, 16 years, गॉड डैम इट, 16 साल से अपने डैड को उस औरत की वजह से तड़पते हुए देखा है मैंने, और आज जब मैं वही गलती दोहराने वाला था तो किस्मत देखो, उसी औरत ने गलती से मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं नहीं मानती, मेरे हिसाब से औरतें दर्द देती नहीं है, दर्द को समझना जानती। 16 साल से आप जो भी सोचते आए उसे मैं एक पल में नहीं बदल सकती, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। How do I know? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ वो नहीं करोगी जो मेरी मॉम ने मेरे डैड के साथ किया था? मैं ये गलती नहीं करूंगा। तुम जानती हो मेरा जवाब क्या है? अब अगर तुम मेरे पैरों पे गिर के भी मुझसे भीख मांगोगी तो भी मेरा जवाब ना ही रहेगा। मैं चाहता तो सलील को भी रोक सकता, बट आई गेस ही इज गॉन टू फार, वो इस खाई में कूद चुका है। मैं यहां एज पे खड़ा हूं, पर मैं अपनी जिंदगी को चुनूंगा। तुम भी अपने घर जाओ जहां तुम्हारी जगह है, मैं भी वहां जाता हूं जहां कहीं भी मेरी जगह होगी। हाँ, बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार करते, उनकी तरह जो आसे गिर के मर गए क्योंकि उन्होंने प्यार को मौका नहीं दिया। सब आज मैं भी आपकी तरह लौट जाऊंगी, पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं अपने प्यार को नहीं ठुकराऊंगी, मैं उसे दूसरा मौका दे रही हूं। रास्ते, दो रास्ते, या तो मैं घर लौट जाऊं और तुम्हें हमेशा के लिए भुला दूं, या फिर मैं तुम्हें दिखाऊं कि औरत का असली रूप क्या होता है, कि प्यार हमेशा नफरत से बड़ा होता है। मिस्टर अर्जुन पुंज, मैं तुम्हारे पैरों में गिर के भीख मांगने वाली नहीं हूं, क्योंकि आज जो मैं फील करती हूं कल तुम भी वही फील करोगे। सही कहते हो तुम, तो प्यार ही क्या जो यहां से कूद के अपनी जान दे दी? प्यार तो वो है जो एक बात मुड़कर ते प्यार को लौटने पे मजबूर करते। इस बार तुम मेरे पास लौट कर आओगे। दिस इज अ प्रॉमिस मिस्टर पुंज।
ओके। आरोही मैम, अर्जुन सर ने बोला था कि वो ऑफिस से डायरेक्टली सीधा संगीत पार्टी में जाएंगे और उन्होंने मेरे को बोला था कि वो सूट पहनेंगे। एक्चुअली उनके पास तो बहुत सारे सूट हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उनके एसोसिएट हैं, प्लीज़ आप सिलेक्ट कर दीजिए। एक्चुअली वो मीटिंग्स में बहुत बिजी हैं और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं आती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सिद्धार्थ, शाम को संगीत में मिलती हूँ। ओके बाय। तैयार भी होना पड़ेगा, बाबा और बुआ कितना गुस्सा हो रहे होंगे। आरोही दी, नीचे सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा दी, आज के लिए मैं प्लीज आपके ये इयररिंग्स बोरो कर लूं, प्लीज दी। हाँ ले लेना। ओह माय गॉड दी, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कब, कैसे, आपने बताया नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। और सुन, बाहर किसी को कुछ मत बोलना, ना अच्छा माहौल है, खराब हो जाएगा। ओके तुम हमारी दी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वेरी गुड ड्रामा क्वीन, जा सिजर्स लेके आ। पर सिजर्स का क्या करोगी? पट्टी काटनी है ना। अच्छा ठीक है। चलो, थैंक यू। पर दी, आप चलोगी कैसे? चल, छोटी सी चोट है, मैं चलूंगी नहीं, दौड़ूंगी भी और डांस भी करूंगी। पूर्वी दी की मेहंदी है। That's the spirit, दी। सुन, मेरे दिल्ली एक बड़ा चंगा मुंडा देखा है, बहुत ही अच्छा है, लाखों में एक है। आज ना वो संगीत की पार्टी में आने वाला है। ओए ओए देख, हो रहा है, देख तो सही। ओए बड़ा चंगा मुंडा है। दे दो मैं जाकर उससे मिल ले पुत्र। अच्छा बुआ, हाँ? पहले कुछ बताइए तो सही उसके बारे में। ओए लाखों में एक है, क्या बताऊं तेरे को, मेरे चंगा मुंडा है। अच्छा वो लड़कियों को पसंद तो करता है ना, नफरत तो नहीं करता ना उनसे? लड़का होगा, लड़की को पसंद नहीं करेगा, नफरत करेगा क्या? बुआ, मुस्कुराता तो है ना, वैसे स्टैचू की तरह खड़ा तो नहीं रहता। इंसान तो मुस्कुराएगा भी ना। तेरी गल समझ में नहीं आ रही मेरे को, पता नहीं क्या क्या अनशन बातें करी जा रही तू। नहीं बुआ, वो ऐसे ही, वो क्या है ना, शादी ब्याह के मामलों में ये सब चीजें इम्पोर्टेंट होती है। होती है। मैं आपसे कुछ पूछूंगी क्या? नहीं। अरे आपकी और मेरी चॉइस तो बचपन से मिलती है। मिलती है। देखिए आज भी पिंक 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 बहुत पिंक। चलिए बुआ, अब लड़के से बचते। हाँ बचते, अच्छा बात मत कर लेना, अच्छा गल कर लेना, सब कुछ बात कर लेना। मुझे ना खड़ूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो जो लड़कियों से नफरत करते हैं वो तो एकदम नापसंद।
बाद एक काफी कुछ बताया आपके बारे में। तो आप पोएट्री भी करते हैं? खाली टाइम में, बस हॉबी है। अच्छी हॉबी है, वरना कुछ लोगों की हॉबी तो सिर्फ लड़ना होती है। अच्छा, सो आपको अपने लाइफ पार्टनर में कैसी क्वालिटीज चाहिए? अब उसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और। हेलो अर्जुन सर। हाँ तो क्या बात कर रहे थे? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज, राइट। उसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि मुझे क्या बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना खड़ूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो जो लड़कियों से नफरत करते हैं वो तो एकदम नापसंद। Well, I totally agree with you. आप सही कह रही हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किनसे? उनसे जिनका ईगो उनसे बड़ा होता है। Well, you're right. वैसे मैंने आपकी सारी बातें नोट कर ली हैं। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट्स होना तो सिर्फ एक ईमेल कर दीजिए। जी जरूर। एनीवेज, मैं चलता हूँ। ओह सर, आप यहाँ? आई मीन पूरी पार्टी में इसी जगह? हाँ, वो मैं वापस जा रहा था। एक्चुअली सली को कंग्रेचुलेट करने आया था। I'm done. सर, आज तो आप हमारे गेस्ट हैं, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। It's okay, I'll manage. अरे, आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है सर। वैसे आपको कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही? पता नहीं, don't irritate me, जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पर सर, वो क्या मुझे कल लंच के बाद हाफ डे छुट्टी मिल सकती है? क्यों? आपने शायद नोटिस नहीं किया, मेरी बुआ ने मेरी शादी के लिए एक लड़के से बात की है। वैसे सर, लड़का अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, बुआ को भी पसंद है, तो मैंने सोचा कि मिल लेती हूँ, जान पहचान बढ़ जाएगी। ड्राइवर कहाँ गया? सर, आप क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं किसी को भेजती हूँ ना ड्राइवर को लाने के लिए। वैसे मुझे इतनी जल्दी शादी करनी तो नहीं थी, पर फिर बुआ ने कहा अब घर वालों की बात टाल भी नहीं सकती ना, और पूरी दी के बाद तो मेरा ही नंबर है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बेस्ट पार्ट इज कि लड़का बहुत अच्छा है ना, इसलिए। अगर मेरे सामने प्यार की भीख भी मांगोगी तो भी मेरा जवाब ना होगा। अब देखते हैं मिस्टर पुंज, कौन किससे प्यार की भीख मांगता है।